नमस्कार एसबीटी न्यूज पर मैं हूँ आपके साथ आभा। श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों पर इस बार दो दो ईवीएम मशीन वीवीपैट के साथ लगाई जाएगी, क्योंकि यहां से 22 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एक ईवीएम मशीन में 16 उम्मीदवारों के नाम आएंगे, शेष उम्मीदवारों के नाम दूसरी ईवीएम में होंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने बताया कि गत दिवस नामांकन वापसी की प्रक्रिया के बाद सभी निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया गया है। चूंकि 22 उम्मीदवार हैं, ऐसे में हर बूथ पर दो दो ईवीएम मशीन लगाई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार सर्वप्रथम ईवीएम मशीन में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के नाम आएंगे। इसके बाद रजिस्ट्रीकृत राज्य दलों के उम्मीदवारों के नाम, फिर निर्दलीय प्रत्याशियों के नाम शामिल किए जाएंगे। हिंदी के अल्फाबेटिक तरीके से प्रत्याशियों के नामों को ईवीएम में शामिल किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रथम ईवीएम में पहला नाम कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक चांडक, दूसरा बसपा के प्रहलाद रायटाक, तीसरा नाम भाजपा की विनीता आहूजा का आएगा, चौथा नाम आम आदमी पार्टी के अमित कारगवार, पांचवा नाम दलित क्रांति दल की करिश्मा, छठा नाम जमींदारा पार्टी की प्रत्याशी कामनी जिंदल, सातवां महाराणा क्रांति पार्टी के जसवंत सिंह, आठवां जनतावादी कांग्रेस पार्टी के जाकिर हुसैन, नौवां भारत लोक सेवक पार्टी के दयाराम, दसवां नाम अभिनव राजस्थान पार्टी के मंजीत सिंह, ग्यारहवां लोक जनशक्ति पार्टी के राहुल महाशय का नाम आएगा। वहीं बारहवां नाम निर्दलीय प्रत्याशी अमित खारीवाल, तेरहवां नाम निर्दलीय अशोक कुमार, चौदहवां नाम निर्दलीय कृष्ण कुमार, पंद्रहवां नाम निर्दलीय जयदीप बिहानी और सोलहवां नाम निर्दलीय धीर सिंह, जो पहली ईवीएम में अंतिम नाम होगा। इसके अलावा दूसरी ईवीएम में जो सत्रहवां नाम सबसे पहले होगा, निर्दलीय नंदकिशोर बिहानी, अठारहवां नाम निर्दलीय प्रीत कालरा, उन्नीसवां नाम निर्दलीय राजकुमार गौड़, बीसवां नाम निर्दलीय राजेश भारत, इक्कीसवां नाम निर्दलीय राधेश्याम गंगानगर, बाईसवां नाम निर्दलीय श्याम सुंदर, जो दूसरी मशीन में अंतिम नाम होगा। तो इसी तरह के और भी राजनीतिक खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एसबीटी न्यूज और बने रहिए हमारे साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।